इसमें अब नेक्स्ट हम सर से पूछते हैं दो पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, एक तो लोकेशन, लोकेशन लड़के कैसे यहाँ पे आ सकता है, और दूसरा कितना रिक्वायरमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है, सैलरी तो आपको बता दिए, फिर एक बार और आपको रिपीट कर देगा, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है। लड़के बहुत तगड़ा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे गुड़गांव लोकेशन में, तो सर बताइए मतलब लगभग कितने लड़के। हमें 2000 लड़कों की रिक्वायरमेंट है। हाँ मतलब सिक्योरिटी गार्ड का, सिक्योरिटी हाइट 170 सेंटीमीटर, हाइट 170 सेंटीमीटर, 10वीं पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में फिर बता देता हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं का मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई, और गांव के सरपंच या प्रधान का अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जी जी जी, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा अच्छा सर, सर ये कैरेक्टर जो होता है पर सरपंच वाली और पुलिस वाली, चरित्र प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। हाँ जी दोनों। अच्छा दोनों चाहिए, तो सर इसमें सैलरी भी एक बार जो है 12 घंटे का रहता है या 8 घंटे का जो मैक्सिमम सैलरी है 12,000 से 14,000 तक है, 26 दिन का, कहीं 15-16 अलग अलग साइड के हिसाब से होता है। जी जी जी, और 12 घंटे का 26 दिन का आपको 16 भी मिलेगा, 17,000 भी मिलेगा, 18 भी कहीं 18 भी मिलेगा कहीं, अलग अलग साइड के हिसाब से। जी जी जी, हम बात कर रहे हैं अभी मैक्सिमम रेट। हाँ हाँ मैक्सिमम। जी 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 जी, तो दोस्तों आप ये जैसे बताए सर जो आपको 8 घंटे 12 घंटे का सैलरी, 2000 लड़के का रिक्वायरमेंट है, और ये ट्रेनिंग सेंटर पे सीधा आप सर ये लोकेशन बता दीजिए, जैसे दिल्ली रेलवे अगर कहीं से भी आ रहे हो तो आप अपने फोन में डायरेक्ट लोकेशन डालो, जी फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर सेक्टर 23 गुड़गांव। तो आपके फोन में डायरेक्ट लोकेशन निकल के आएगी ट्रेनिंग सेंटर की, आप सीधा आ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अगर दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते हैं दोस्तों, तो आपको मेट्रो पकड़ना है तो आप MG रोड या इफ्को चौक उतर सकते हैं, वहाँ से आप ऑटो लेकर के सेक्टर 23 आ सकते हैं, नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल आ सकते हैं, या गुड़गांव रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन गुड़गांव रेलवे स्टेशन पहुंचते तो वहाँ से भी सीधा आपको यहाँ सेक्टर 23 के लिए ऑटो मिलता है, 20 रुपये लेता है, मैं भी अभी आया हूँ वहीं से। अगर आप दिल्ली से मेट्रो नहीं पकड़ना चाहते, सीधा अगर रेलवे बस से आते हैं तो बस से लगभग 30-40 तो बस से भी आ सकते हो। गुड़गांव बस स्टैंड के लिए आपको आना है, तो यहाँ पे प्रतिदिन लगभग 50, 100, 200, 300 लड़के आते रहते हैं फ्रेशर ज्वाइनिंग होने के लिए, भर्ती होने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। और दोस्तों मैं चलिए आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ का, आपको ट्रेनिंग रूम भी दिखाई दिए, अब बैरक दिखाता हूँ जहाँ पे आप लड़के यहाँ पे किस तरह से बैठते आराम करते हैं। 12 दिन तो रहना होता है तो दिखाना ही पड़ेगा, तो आप चलिए दिखाते हैं और बाकी आपको आगे दिखाते, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर G4S सिक्योरिटी में अगर आपको जॉब करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और गुड़गांव सेक्टर 23 के ट्रेनिंग सेंटर में आकर के आप ट्रेनिंग दे और जॉब करें। अच्छा ये होगा सर बैरक। हाँ जी ये बैरक है, यहाँ पे लड़के नाइट में स्टे करते हैं। अच्छा स्टे नाइट में करते हैं जी। ऐसी बैरिक हमारे पास दो हैं, जिसमें एट ए टाइम एक टाइम में इस बैरिक के अंदर कम से कम 70 लड़के स्टे कर सकते हैं। अच्छा 70 लड़के, मतलब दो बैरक है आपके पास। अच्छा अच्छा, तो मतलब लगभग 200-300 लड़के आराम से एडजस्ट हो जाएगा। आराम से हो जाता है, कोई इशू नहीं है इस। तो सर ये गद्दे जो लगा हुआ है ये मतलब आप ही की तरफ से रहता है? ये गद्दा चारपाई हमारी तरफ से। अरे वाह सर, चारपाई भी लगे, बाकी लाइट वेट का भी सिस्टम लगा हुआ है सब कुछ, कूलर वगैरह भी, गर्मी आएगी कूलर वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। अच्छा फैन कूलर ये सब रहेगा सिस्टम में? हाँ। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं दोस्तों गद्दा उद्दा भी। और ठंडे के मौसम में देखा जाए तो सर यहाँ पे ओढ़ने के लिए भी दिया जाता है? मौसम में हमारे पास कंबल है, इनको कंबल प्रोवाइड किया। अच्छा अच्छा कंबल भी प्रोवाइड करवाते हैं? बिल्कुल। अरे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ। सर तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पे डरे नहीं, सीधा आए सर से मिले और आपको ये आगे का कार्यवाही बताएंगे करेंगे। और चलिए मैं बाकी आपके आगे दिखाता हूँ जो जहाँ PT ड्रिल होते हैं। हाँ कोई पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे ये ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ पे ड्रिल और जो है PT ड्रिल करवाते हैं। तो देख सकते हैं ये डाइनिंग रूम है, यहाँ पे लंच डिनर ब्रेकफास्ट किया जाता है वगैरह सब कुछ करवाते हैं। तो सर यहाँ पे लंच का वंच का तो पैसे उसे तो नहीं लगता नहीं, है एक्स्ट्रा? ऐसा नहीं, जो फीस पे की जाती है उसी के अंदर से सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा उसी पैसे में? हाँ उसी पैसे में होता है, ब्रेकफास्ट भी लंच भी डिनर भी, तीनों टाइम का खाना मिलता है, तीनों टाइम का। जबरदस्त दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर देख सकते हैं, यहाँ डाइनिंग रूम मतलब जबरदस्त है भाई। आप सबको और क्या चाहिए, जॉब दे रहा है इतने रुपया में, 2500-2600 में आपको जॉब प्रोवाइड करवाया जाता है भाई, मेरे लिए तो बेस्ट है। आपको मैं भी तो ट्रेनिंग ही किया था, आप सबको पता ही है, देख सकते हैं यहाँ प्लेट व्लेट सब रखा हुआ है। चलिए तो दोस्तों बाकी मैं आगे दिखाता हूँ।